हेलो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 100 मार्क्स का इंग्लिश में 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ऑब्जेक्टिव तो याद कर रहे हैं और किसी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में वो सारा चीज आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको पूछा जा रहा है और क्या क्या चीज आपका इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव में। 50 नंबर का सब्जेक्टिव में आपको 50 में 50 लाना है। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो ठीक है, पूरा 50 में 50 और आप तरीका फॉलो कर लेते हैं तो कितना क्या लिखना है वो सारा चीज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज वीडियो को देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको लिखा है कि सब्जेक्टिव 50 मार्क्स, तो सब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें आने वाला है, एकदम फटाफट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर आपका, देखिए ऑब्जेक्टिव छोड़िए क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका कितना नंबर का आ रहा है उधर 50 मार्क्स का, इसके लिए आपको अलग से तैयारी करना है, अलग से वीडियो भी डाल रहे हैं बहुत सारा और डाले भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यह सब्जेक्टिव के लिए स्पेशल है, 50 में 50 लाने का तरीका है, ठीक है। तो देखिए ऐसे सबसे पहले जिसको आप लेख कहते हैं, ये 8 मार्क्स का आपका आने वाला है जो कि सबको पता है। सर थोड़ा बता दीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि पोल्यूशन हो गया, ए विलेज फेयर हो गया, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट मैच जिसको आप कहते हैं, माय एम इन लाइफ हो गया, वर्क इज वर्शिप हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त भी आप याद कर सकते हैं। इसे देखिए ऐसे तो आ ही जाता है, अगर नहीं आया तो भी आपको लिखना है, तो सर कितना लिखना है ये बता तो दीजिए। देखिए आपको 30 से 40 लाइन लिखना है, ठीक है, मिनिमम 30 लाइन से कम नहीं लिखना है, 40 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया आपको, अब एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन के लिए आपको हमने वीडियो भी बनाया और मैं इस बार के लिए भी स्पेशल वीडियो डाल रहा हूँ कि कौन सा पूछा जाएगा। तो सर एक्सप्लेन कितना नंबर का रहेगा? एक्सप्लेन का मतलब सर क्या होता है? तो एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपका जो किताब है, ठीक है, उसमें इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर के जो इंडियन सिविलाइजेशन से जो मैरिज प्रपोजल तक है उसको बोलते हैं प्रोस सेक्शन। तो उसी का किसी कहानी का किसी ऐसे का लाइन उठा देगा, बोलेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये 4 नंबर का पूछे जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाता है? ये 4 नंबर का, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी आपको 6 से 8 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ये। और किसी किसी का 4 लाइन में भी हो जाता है अगर छोटा रहेगा तो, ठीक है ना। तो इतना 8 लाइन से ज्यादा मत लिखिएगा, बहुत ज्यादा हो गया 8 लाइन, ठीक है, इतना इससे ज्यादा नहीं लिखिएगा। इसका भी वही हाल है। अब कविता का लाइन रहेगा और उसमें आपको एक्सप्लेन करना, ये भी 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। कोई भी कविता का लाइन दे दिया, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट दे दिया, या फिर स्नेक का दे दिया, या फिर माय ग्रैंडमदर हाउस, किसी का भी लाइन। सर कैसे करें एक्सप्लेन थोड़ा बता दो दीजिए, मैं बताया हुआ हूँ वीडियो में और फिर आप लोग कहिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके लिए भी मैं भेजूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जुड़ जाइएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए लेटर या एप्लीकेशन जिसको कहते हैं, ये भी आपका, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा, हमने यहाँ 4 मार्क्स लिख दिया गलती से, ठीक है ना, ये 5 मार्क्स का आपका रहने वाला है, ठीक है ना। और देखिए याद रखिएगा, पहले देखिए एक्सप्लेन में आपको 4 को दिया रहेगा, 4 को में 1 को बनाना है, इस एक्सप्लेन में भी 4 को दिया रहेगा, 1 को बनाना है, और ऐसे में आपको 5 को दिया रहेगा जिसमें 1 को बनाना होता है, ठीक है। अब कहिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में सर क्या रहने वाला है, ठीक है। और लेटर और एप्लीकेशन में जो जो चीजें आएगा वो भी हम आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे, ग्रुप में भी भेज देंगे कौन सा लेटर इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन सर क्या क्या पूछने वाला है, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है हम आपको जरूर भेज देंगे, ग्रुप में भी आप जुड़े रहिएगा, ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे। और बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले ही प्रिपरेशन करवा चुके हैं, लेकिन देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी हम बता भी चुके हैं और भी बता देंगे कुछ कुछ, ठीक है ना, ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और देखिए इसमें से हाँ, और याद रखिएगा जो भी आप क्वेश्चन याद किए हैं उसको आप अच्छा से याद कीजिए, और भी हम दे देंगे कुछ, ठीक है, बस यही हम कह रहे हैं। तो ये प्रोज का भी रहेगा और पोएम का भी रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, मतलब जो है इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर से मैरिज प्रपोजल तक का भी रहेगा, कविता का भी रहेगा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लेकर के आपका माइग्रेंट मदर हाउस तक, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप जान ही रहे। तो ये सबसे 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 5 ही बनाना है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। सर लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ी परेशान हो जाते हैं, क्या करेंगे सर लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे? तो लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लीजिए कैसे क्या करना है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 6 गो ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको 3 बनाना है, कितना बनाना है? 6 गो में आपको 3 गो बनाना है, तो 5 या 15 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको समरी,
पोयम का समरी मतलब कविता का समरी रहेगा। सर समरी में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे हम देखिए मैं आपको बता दूं कि द सोल्जर, स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट और फायर हिम, ये चार को अगर आप याद कर लेते हैं तो आ जाएगा। लेकिन अगर जो बच्चे समरी नहीं लिखना चाहते तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी सी डी ई एफ कितना है, छह ऑप्शन है और छह में आपको तीन बनाना है। मान लीजिए दोनों हम समरी खत्म कर दिए, ठीक है, जिसको याद करना है समरी शौक से याद कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ अगर आप इसमें से देखिए एफ नंबर को चुन लीजिएगा, इसमें आपको मिलान करना होगा राइटर नेम, जो कि आपको हम वीडियो में याद भी करवा दिए हैं। दूसरा राइटर नेम ये है, इसको एगो चुन लीजिए, दस नंबर हो गया, दो को बन गया, एक को सर और कौन बनाएंगे, तो हम ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। कहिएगा सर हम कमजोर है स्टूडेंट है, ट्रांसलेशन हमसे नहीं बन रहा है, ट्रांसलेशन हम नहीं पढ़ पाए, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्ट नोट याद कर लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट हम फिक्स वाला आपको बता देते हैं, मतलब इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल या वर्ल्ड लैंग्वेज, हमारा नोट में भी दिया हुआ है, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 15 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा, 15 नंबर आपका क्या हो जाएगा, पूरा फिक्स हो जाएगा कि यही सब आपका आने वाला है, ठीक है। अगर समरी याद करना है तो शौक से याद कर लीजिए, ठीक है, मेरा क्या जाता है आप याद कीजिएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर इसके लिए कौन कौन सा समरी इंपॉर्टेंट है, प्रोज के लिए तो द आर्टिस्ट है, आई हैव ए ड्रीम है, उसके बाद है आपका ए चाइल्ड इज बोर्न और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लिए। हालांकि समरी याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको कह ही दिया कि छह को आपको तीन को ऑप्शन बनाना है, ठीक है। अब अगला लास्ट होता है पैसेज या फिर प्रेसिस, ये मतलब ऊपर में इंग्लिश लिखा हुआ रहेगा उसका आपको आंसर देना है, ये भी हम बताए हुए वीडियो में भी चार नंबर का, तो टोटल ये आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। कैसे मैनेज करना है याद रहेगा आपको, ध्यान दीजिएगा शुरू से लॉन्ग क्वेश्चन में जो 5 नंबर है उसमें से आपको 6 गो में 3 ही को बनाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ज्यादा कम बना देते हैं तो वहां पर भी आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो सब्जेक्टिव है क्या क्या पूछेगा ये सारा चीज हमने बता दिया 2024 में, अब कौन सा एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज हम वन बाय वन वीडियो आपको दे रहे हैं फिर से, ठीक है। नहीं तो सारा चीज YouTube पर अवेलेबल है, लेकिन और 2024 के लिए स्पेशल दे रहे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।